I am Dev from Dhanbad, Jharkhand. Sir, my question is that I have to crack GR in this attempt because after that my family is not affordable to help me. So how will I study to achieve my goal? एक तो ऐसा क्या हुआ कि तुम अभी अभी क्रैक करना छह महीने डॉक्टर ने कहा है क्यों? Anyway, I'm just kidding in this way. आप एक चीज सोच के देखिए ना, क्यों कंस्ट्रेंट लगाते हैं हम लोग अपने ऊपर? वही अभी जो बात कर रहे थे कि आपको छह महीने में क्रैक करना है, वो तो पहले भी क्रैक कर सकते थे. इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस कि अगर कोई कि तीन महीने क्रैक करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, छह महीने में स्टडी करने क्या, तो ऐसी स्टडी आई डोंट थिंक कि कोई आपको सर्विस कर पाएगा और होगी भी. आप दूसरा आता है कि आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती. क्या अफोर्ड नहीं कर सकती? बाहर रहना ये इशू है. नहीं कर सकते तो आपको वहीं कुछ करना होगा. अब ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, जो हमारा जो ना वो विलेज हो गया. अब ग्लोबल वर्ल्ड नहीं, अब ग्लोबल विलेज है. आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां नहीं मिल सकती. हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अब तो इंटरनेट काफी सस्ता हो गया है, गांव गांव पहुंच भी गया है. आई थिंक कि आपके जहां रहते हो वहां भी इंटरनेट अच्छा खासा स्पीड में आता होगा. गूगल है, नेट. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों ने वीडियो क्लासेस शुरू किया है, सबको लॉग इन देते हैं, वो अपने पूरे वीडियो देखते रहते हैं. जिसको सीखना है ना फोकस होके, वो इन चीजों से लड़ता है, हमेशा लड़ता है. और मैंने ये चीज नोटिस की है, जिसको लड़के जो मिला है ना उसकी क्वालिटी अलग होती है. वो उसको समझता है, उसको यूज करता है, स्प्रेड करता है. जिसको बहुत आसानी सब कुछ मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं कर पाता. आप पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कंस्ट्रेंट हटा दीजिए अपने अपने आप से कि अगले छह महीने के अंदर हमें निकालना है. आप पांच छह महीने के लिए दिल्ली में हैं, ठीक है? इस चार से पांच महीने का भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपने आप को ग्रो कराने में. पढ़ना सीख लीजिए कैसे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए क्या पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और उससे कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन, ये सीखिए. ये सिखा देगा कोई भी, लेकिन वो कुछ पॉइंट बताएगा. कहने को अमूल्य, हम ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, बट आई कैन हेल्प यू डू दैट. आई कैन एक्सप्लेन मैथ्स टू यू बट कांट अंडरस्टैंड ऑन योर बिहाफ. मैं आपको मैथ्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो जो हिस्सा मेरे मुझे आता है. आई कैन एक्सप्लेन टू यू बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड फॉर यू. दैट वर्क इज योर्स. तो इस चार महीने पांच महीने जो भी आपके पास हैं उसका इस्तेमाल ऐसे कीजिए, यहाँ अपग्रेड कीजिए. कल मैं एक सेमिनार में था तो मुझे एक स्टूडेंट कहीं पुरानी स्टूडेंट मिली जो वहाँ फैकल्टी थी. उसने अपने साथी फैकल्टी से मुझे मिलवाया जो दूसरे कॉलेज से मुझे मिलने आया. तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा. उसने ये कहा कि हम दिल्ली गए थे सर से पढ़े, वहाँ हम मैथ्स तो कहीं भी सीख सकते थे बट वो छः महीने जो हमने स्टैंड करना सीखा डायस के सामने, जो बुक पढ़ना सीखा, हमें इतना मजा आता है बुक पढ़ने में. रोज पढ़ते हैं, कुछ कुछ नया निकालते हैं. उसने ये नहीं कहा हमने सर ने हमें अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अलजेब्रा पढ़ाया, क्लासेस पढ़ाया. उसने ये कहा कि हम जो छह महीने दिल्ली में रहे वो जो मैंने वहां सीखा ना कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्या पढ़ना है, कैसे आंसर करना है, कैसे जवाब देना है. बच्चे क्लास में पूछते समय सर क्या टोक देते थे कि ये सही सेंटेंस नहीं है. आई लर्न ऑन दीज थिंग्स. मुझे पता है बाकी तो वहां जाके पढ़ लेंगे. So she utilized that period for these things. She's a student professor somewhere. तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, इन चार पाँच महीने का भरपूर इस्तेमाल कीजिए ये सब चीज़ें सीखने में. उसके बाद मैं आपको फोरम के माध्यम से बोल दे रहा हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, ठीक है? तो आप वहाँ भी रहेंगे ना तो हम कॉन्टेक्ट, हम अपने वीडियोज़ के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस अपने यहाँ होती हैं, सब चीज़ें कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम लोग तो. और नहीं तो है ना विकिपीडिया है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है? आप सब निकाल सकते हैं उसमें से. आई डोंट थिंक ये हटाइए कैप कि हमें छः महीने निकालना है. और अफोर्ड क्यों करें फैमिली वाले आपके? आप एमएससी कर चुके हैं आई थिंक. यस. अब क्यों अफोर्ड करेंगे वो? अब आपको सक्षम होना होगा कि आप कुछ, अब छोटे बच्चों को पढ़ाइए, टेंथ को पढ़ाइए, बीएससी को पढ़ाइए, जो पढ़ा सकते हैं उतना सीख लीजिए, पढ़ाइए, अर्न कीजिए, अपने पैर खड़ा होइए. टाइम कंस्ट्रेंट क्यों लगा रहे हैं? आपको अर्न करने में दो साल लगा, ठीक है, दो साल गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए. उसने किया ना, आपके पीछे बैठे थे पांच साल, वर्क फॉर दैट. So why time constraint? किस बात की जल्दी है?
अच्छा उतना टाइम पेरेंट्स को लीजिए, उतना टाइम और सन के साथ रहिए, थोड़ा बहुत कमाइए, उनको हेल्प कीजिए, सीखिए. आई डोंट थिंक देयर इज रशिंग फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, मुझे जल्दी से आ जाए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, आई थिंक तो हैप्पी रहिए, जो आप सीख कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मस्त रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन है कि हम लोग जल्दी में रहते हैं तो इसको थोड़ा सा. सो फॉर बॉयज इट इज सो कॉमन, दे हैव मुझे लगता है लड़की को होना चाहिए ये तो गर्ल्स को होना चाहिए ना कि भाई शादी हो जाएगी फिर नए सिर से शुरू करना पड़ेगा, जो गलत सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है तो वो भी थोड़ा सा. हाँ. तो नहीं बॉयज को ठीक है, आप कर सकते हैं, कमा खा सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैथ्स का स्टूडेंट है भैया. चलिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया, अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? सिद्धांत, ये सिद्धांत. आई हैव कंप्लीट माय एमएससी फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र इन 2017. ओके. एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम. सो सर माय क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हेन वी मूव फास्टर एंड फास्टर, द टाइम मूव्स स्लोअर एंड स्लोअर, द रिलेटेड टाइम गेट्स स्लोअर एंड स्लोअर. बट आई ऑब्जर्व इन रियल लाइफ दैट इफ यू गेट बिजी इन समथिंग और मूव्स फास्टर, द रिलेटेड टाइम आल्सो मूव्स फास्टर एंड फास्टर. So, what should I conclude from all of this? Is both the things are related to each other? Can you please explain? What a question, time dilation. लेकिन हम शुरू में चर्चा भी कर रहे थे कि फिजिक्स और मैथ्स में आइंस्टीन हैज गिवन दिस थ्योरी, मैंने कहीं कुछ कुछ पढ़ा भी था उसके बारे में. मैथ्स में ना एक्सियोमैटिक अप्रोच पे क्वेश्चन उठते रहे हैं हमेशा. इफ समथिंग ऑन द is based over axioms, like आपने ZFC पढ़ा होगा कि तिलों ने दुखी किया है कि whether this W or well-ordained principle, axiom of choice, and सबसे कितना क्वेश्चन उठता है, आप ऐसे सारे स्टूडेंट हम लोग तुम जानते हैं. तो axiom basis पे जो चीज़ें होती है ना वो तकलीफ देती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है. तो हमारा तुम्हारा दोनों का अभी इस समय क्या एक axiom है, इट हैपन्स when we're busy, when we move faster, time also moves faster. This the first of all, this is axiom. Does it actually happen? This is a big problem. As a math student, na, we don't assume anything. We question this first of all. What you are saying, na, पहले हम इस पे question हम लोग करते कि actually it happens or not. जहाँ तक कि time का है ना, क्योंकि हम आपने कहा कहीं ऐसा होता नहीं, both are relative. ठीक है, absolute sense में देखोगे तो वो तो constant ही है. That revolution is fixed. That either second watts or minute or hour, that is fixed, isn't it? तो वो तो थोड़ा सा ऊपर की चीज है जो आइंस्टीन ने कहा था. बट आपका assumption जो आया है ना कि हम इन दोनों से क्या समझे, इट लुक्स लाइक contradictory. मैथ्स वर्क ओवर contradiction. इट सिंपली यूज contradiction टू negate समथिंग, इट नेवर यूज contradiction टू अप्रूव समथिंग. इट negate. Yes, it approves my hypothesis wrong. It uses contradiction to approve something means my hypothesis is wrong. This is proved by contradiction. One. Now, आपने जब ये बात की कि एक तरफ तो हमें लगता कि वो slower है तो fast. ये दोनों जगह ना वो mathematical है. वो relativity है. That's something beyond the vision of normal people. आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी लिखा है ना, आपको आश्चर्य होगा, आपको पता भी होगा, आइंस्टीन को इस पे नोबेल प्राइज नहीं मिला था, उसको उस पे मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला था, इस पे नहीं मिला था. जबकि ये बड़ा सुपीरियर रिजल्ट है, बड़ा रिजल्ट है उससे एज कम्पेयर टू आई थिंक रिलेटिविटी थोड़ा इसके लिए ज़्यादा आता है, इससे चेंजिंग द कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया उससे. तो मुझे लगता है कि हमारे आप मेरे लिए तो वहाँ पे कमेंट करना मुश्किल है. बट मैं जो आपकी सेकंड अजम्पशन की बात कर रहा हूँ ना, ये हमारी आपकी एग्जियम से अजम्पशंस है और ये फील टाइप की चीजें. किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है ना, टाइम का मतलब समझना है, टाइम का वेरी जो टाइम का कंपैरिजन है ना, सेकंड के 100वें हिस्से की जो वैल्यू है ना, कोई पीटी उषा से पूछे. ठीक है ना, सेकंड में 100वें हिस्से की जो वैल्यू है और जो एक घंटे की वैल्यू है ना, वन आवर, द वैल्यू ऑफ वन आवर. किसी स्टूडेंट ने पूछा जो एग्जाम में लेट हो गया हो, वैल्यू ऑफ मंथ यू वांट टू आस्क, आस्क दैट लेडी प्रेग्नेंट मे हैव दैट प्रॉब्लम ऑफ 7 or 6 एक मंथ, वैल्यू ऑफ मंथ. वैल्यू ऑफ अ ईयर यू कैन आस्क अ पर्सन हु गॉट फेलियर इन एनी स्कूल ईयर. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये रिलेटिव है.
आप जब किसी का वेट कर रहे हो तो एक मिनट बहुत भाई लग रहा होता है, और एग्जाम का लास्ट मिनट जो होता है, लास्ट वन आवर कितनी तेज पास हो जाता है. बोथ आर साइकोलॉजी. तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस होते हैं जो हमें और आपको परेशान करते हैं. मैथ्स यही रोल प्ले करती है. इट इज श्रूड इन वन सेंस. मैथ्स बहुत श्रूड है. मैथ्स स्ट्रेट है. मैथ्स हार्टलेस है इन लॉट्स ऑफ सेंस. ये आपको आपके मुंह पे बोल देती है कि आप गलत हो. Isn't it? तो ये जो थ्योरी है ना, फर्स्ट थ्योरी हैज अ एक्सट्रीम लेवल साइंस विच टॉक्स अबाउट यूनिवर्स विदाउट एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग ऑफ यूनिवर्स यू कैन नॉट इवन फील ऑफ टाइम डायलेशन. वो क्यों रिलेटिविटी है अर्थ पे, तो आप दूसरा जब तक कि वो आप किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी को साथ में रिलेशन में नहीं लेके आएंगे तब तो फील भी नहीं होगा. बट दूसरी तरफ जो आप कह रहे हो ना, वो एक साइकोलॉजिकल है. वो ठीक है, यहाँ मैथ इससे दूर करती है हमको. दूसरा, अगर इस चीज पे थोड़ा सा काम करोगे, जो मैंने शायद जिक्र भी किया था मूवी का, अ ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नेश की जो बायोपिक है, वो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है और वो खुद फील कर लेता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. यू गॉट द आइडिया? सो दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स इज. सो आपको उससे कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए. कंक्लूड जो करना चाहिए कि साइकोलॉजी सही है गलत है कैन बी प्रूव मैथमेटिकली. If you are not able to feel something, try to make equation which math is going to prove. If it is proved by mathematics, so both the theories are correct. If this may, this is also correct, this is also correct. But dependent on the equations with which you are dealing, this phenomena or that phenomena. If both the equations are correct, then both the things are correct. If one equation contradicts the other, then either that is wrong or this is wrong. So this is simple mathematics. So it's a wonderful question. आपने मुझे भी insight किया इस चीज़ को लेके. This is absolute. In one reference, time is absolute. But it is our psychology. आपने बहुत सारे ऐसे फिगर देखे होंगे जो मैंने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे फिर जो कुछ और दिख रहे हैं, हम गॉड्स देखते हैं तो प्लेट पलट जाती है, ऐसे कुछ कुछ अभी इमेज आई थी. हाँ, एक ना उस बहुत सारे कप रखे हुए हैं, प्लेट रखी हुई, आप देखोगे ना उल्टे रखे हुए हैं, अथवा गॉड्स देखते हैं वो सीधे हो जाते हैं. इमेज है केवल, 3D इफेक्ट है. आप देखो कि दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, एक ऐसे एक तरफ एरो ऐसे कर दीजिए, एक तरफ ऐसे एरो, दोनों लाइन सेम है बट एंड पॉइंट पर एरो लगा दीजिए, एक रिवर्स कर दीजिए दूसरे का, आपको दोनों लाइन में लेंथ का डिफरेंस दिखाई देगा. तो ये आप कह सकते हो कि जो विजन है साइकोलॉजी, हम जो देख रहे होते हैं ना उसमें केवल आई का रोल नहीं होता. ठीक है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है ना, मुझे किसी का याद आ रहा है कि ये ठीक है आंखों की जुबा नहीं होती पर आंखें बेजुबा नहीं, ये कौन सी मैथमेटिक्स है? वो लिखता है एक तरह की ठीक, जो आपने कहा कि ठीक है आंखों की जुबा नहीं होती पर आंखें बेजुबा नहीं, दोनों में वर्ड का मीनिंग बदल गया वहां पर. दे एक्सप्रेस लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो मुझे लगता है कि आपका जो सेकेंड पार्ट है ना, दैट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, इमोशन, साइकोलॉजी, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन. आई विल थिंक अ लॉट ऑन दिस कि हाउ दिस टू कैन बी रिलेटेड, बट सो फार आई कैन शेयर दिस ओनली विद यू. वंडरफुल क्वेश्चन. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर. सर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. ट्रू. एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव फेस्ड अ टन ऑफ चैलेंजेस फॉर कमिंग सो फार. कैन यू प्लीज शेयर योर फेवरेट वन? सक्सेसफुल इन सम सेंस, आई एम रियली सक्सेसफुल इन वन सेंस. I am able to do and doing what I actually wanted. I think I want to teach always. शायद मैं छोटे से पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत छोटे से अर्ली स्टेज वे बैक 1989. It was 7th December or 6th December, 6th December 1989 when I entered into the class first time. Around 40 student class. और उसने ना एक दिन में हमें चेंज कर दिया, जो मुझे आज भी अच्छा याद आता है इस चीज़ को. वो एक सिंगल डे ट्रांसफॉर्म मी लाइक एनीथिंग. क्योंकि मैं उनके बीच में यंग सा था, 12th एज ग्रुप बच्चा कितना होता है, और 12th किया, उस 12th में थे या 12th किया था, 12th किया था. तो जिनके साथ खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, वही मेरे क्लास में थे. मुझे दे दिया कि जाओ उनके असाइनमेंट सॉल्व कर लेना. मैं क्लास में किया उनको, मुझे तैयार था, बड़े भाई पढ़ाया करते थे, सब याद था. आई डिड इट एनी हाउ, निपट गया. बट मेरा मुझे बहुत एफर्ट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि इतना सारा याद कर रखा था, क्योंकि जब घर में बड़े भाई पढ़ाने वाले तो आप थोड़ा सा एडवांस रहते हो बाकी.
बट वो जो बिहेवियर चेंज आया ना बाकियों में, शाम को क्रिकेट खेलने गए तो उनकी रिस्पेक्ट लेवल बदल गया था, मैं नाम से बुलाते थे अबे ओबे, ये सब जो स्लैंग चलते हैं वो उसके बाद थोड़ा वो भैया हो गया मैं उनका, भैया बॉल उठाना, भैया ये करना, थोड़ा सा केयर उनकी उसमें बातों में दिखने लगी, मेरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया, व्हेन दे आर टॉकिंग स्लैंग, जो छोटे शहरों में गाली गलौज करके एक दूसरे से बात करने की एक हैबिट सी भी है, बड़े शहरों में भी है, केवल छोटे शहर नहीं, वो सब मेरे पहुंचते अलग होने लगा, वो ध्यान रखना शुरू कर दिया, मुझे लगा कि मैं कुछ हो गया हूँ। इतना सा बच्चा अगर मतलब जो 12th का बच्चा होता है वो, उसको अगर ये फील हो जाए कि वो कुछ हो गया, तो मुझे एकदम से वो फील हुआ आई एम समथिंग, और उसने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, आई शुड लर्न मोर, नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। आप चल रहे हो, आपको कोई घूर के देखना शुरू कर दिया, आपकी चाल खराब हो जाएगी, आप टेंशन में आ जाओगे क्या हो रहा है, आपको कोई गौश देखा आपको ठीक करना शुरू कर देते हैं, ये तो एक्सटर्नल सोर्स थे, मुझे वहां खुद ही फील हो गया कि आई हैव टू मेंटेन माय नॉलेज बेस सो दैट आई कैन क्रिएट एन एग्जांपल बिफोर देम, बिकॉज नाउ आई एम टीचिंग देम। वो मुझे 5 ही दिन के लिए मिला था, तो एक ये इवेंट ऐसा हुआ कि जिसने मुझे इंटरेस्ट क्रिएट कराया पढ़ाने में, बट मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे ये थॉट आ गया कि मुझे पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू शेयर, सो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। मुझे कितना इस्तेमाल करना पड़ा वो बात की बात है, बट आई मेड अ गुड हैबिट, वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, खूब पढ़ना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट अ डे एवरी डे आई फिनिश, यूज्ड टू फिनिश अ बुक, मैं बहुत फास्ट पढ़ता हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी बुक्स खत्म करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ने का शौक हो गया, और आज तक मैं वो कर रहा हूँ, तो आई एम इन दिस सेंस आई एक्सेप्ट दिस वर्ड कि आई एम सक्सेसफुल, बट अदरवाइज बाकी सेंस में पता नहीं क्या होता है इसका मतलब। दूसरा जो आपने कहा कि चैलेंजेस, जो चैलेंजेस फेस किए ना, वो दो तरह के चैलेंजेस होते हैं हर एक में, हर एक केस में, एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिकल। सोशल में फिर से दो तरह की चीजें होती हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे कैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और जिस फैमिली में आप हो उस फैमिली में कैसे एग्जांपल्स हैं, वेदर दे हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन टू प्रमोट देयर वर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन, या वो उनके अंदर में किसी नौकरी लग जाए और कमाई खाए खत्म करे बेटे छोड़े, ये दो चीजें हैं। तो एक ये चैलेंज मेरी सोसाइटी में था कि वहां पर बहुत कम लोग थे जो एकेडमिकली बहुत अच्छा सोचते हो करने के लिए, मैं तो जिस शहर से और जिस जगह से वहां पर हूँ, वहां बहुत बहुत बुरा हाल था इस मामले में, जो उस मोहल्ले का हम नाम ले देते किसी को ना, तो हम लोग से ठीक से पेश आता था, क्या मालूम मार पीट देगा, इतना बुरा हाल था वहां का। तो ये सोशल प्रॉब्लम थी, बट जो मैंने कहा ना कि जो इंटरेस्ट अब क्रिएट हो गया, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो उसके लिए मुझे अब सोसाइटी से नहीं मतलब, मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए था, एंड आई वाज लकी इनफ टू हैव फैकल्टी टीचर्स नियर बाय इन स्कूल्स, दे यूज टू गिव मी बुक्स, मैं किसी बार चला जाता था मुझे बुक मिल जाती थी, वो अपनी बुक मुझे दे, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आई वाज बीइंग नोटिस। मैं 6th क्लास से मुझे ये, मैं ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, 6th क्लास में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मुझे फील कराया कि इस चीज की बड़ी वैल्यू है। एक सर हुआ करते थे, शायद हिंदी पढ़ाया करते थे, कुरैशी सर, हिंदी टीचर थे, हिंदी पढ़ाते थे, कुरैशी सर नाम था उनका, 6th क्लास बता रहा हूँ। तो वो रोज क्लास में कुछ कुछ उत्पाद पूछा करते थे, कहीं से भी उठा के पूछ लेते थे। एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि छिपकली क्या चलती है, दीवार पर क्यों छिपकी रहती है छिपकली, गम लगी उसके हाथ में ये वो। अच्छा, मेरे बड़े भाई दोनों साइंस के स्टूडेंट, मुझसे 4 साल बड़ा एक 5 साल बड़ा, तो 12th कर चुके थे, कर रहे थे, तो उनको ये सब आइडिया होता था, तो मुझे शेयर घर में होता था, मुझे आइडिया था, मैंने तुरंत कहा कि सर मास्टर बोलते थे हम लोग, मास्टर ये हुआ कि इसमें एयर टाइट हो जाता है, ऐसे वो चिपकाती है तो यहाँ से एयर निकल जाती है, तो बाहर के प्रेशर से चिपकी रहती है वो, सो एयर टाइट हो जाता है, यूज द वर्ड एयर टाइट। और वो इतने आश्चर्य में मुझे देख रहे थे, मुझे वो सारा सीन भी याद है कि वो चीज उस 2 दिन स्कूल में इंसिडेंस बन के घूमी है, किसी 6वीं के बच्चे ने ये आंसर दिया है। प्रिंसिपल साहब जो हमारे के थे, हम लोग इंग्लिश पढ़ाया करते थे कभी कभी आके, जब कोई टीचर नहीं होता वो चलाते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, आई वॉज हैप्पी कि उन्होंने मुझे नाम से बुलाया कि तुमने ये किया था, क्या सर तुम्हें कैसे मालूम, सर घर में सब लोग बोलते रहते हैं, बड़े भाई पढ़ते रहते हैं बताते रहते हैं, तो मुझे मालूम चलता रहता है। अच्छा, मुझे लगा ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई आंसर देना कि पूरे स्कूल में आपको, हर पूरा स्कूल जान गया अगर आपको, तो इससे बड़ी क्या चीज होगी। तो ये कुछ कुछ इवेंट्स है ना जो लोगों को बड़ा बनाती है या मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए। उस इवेंट ने मुझे स्कूल में बड़ा बना दिया, वो नशा होता है या एडिक्शन होता है के लिए कि हमको जाने लोग 4 लोग, तो दैट हेल्प यू टू लर्न एक्स्ट्रा। चैलेंज वही आते थे कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, जो जान लिया वही सबसे बड़ा है। तो पहला चैलेंज वो सोशल का था, दूसरा ऑफकोर्स इकोनॉमिकल था, कि मुझे पता था कि मुझे बाहर जाना होगा अगर कुछ सीखना है, आई कुड नॉट डू दैट। 12th में जाना चाहा, 10th में स्कूल बदलना चाहा,
नहीं हुआ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो फिर बीएससी में आते आते तो हमको समझ में आ गया, तो ट्वेल्थ के बाद तो हम लोग मैंने खुद ही कमाना शुरू कर दिया था, तो मुझे पता था कि मैं कुछ तो कर लूँगा अपना, अब आप अलाउ करो या ना करो मैं तो जा रहा हूँ, तो बीएससी बाद अपना दिल्ली आ गए, बट मुझे पता था मैं कुछ कर लूँगा खुद ही कमा। और ये मैथ्स पढ़ाने वाले बच्चे का ये कॉन्फिडेंस हमेशा होता है कि कहीं भी जाएगा कुछ ना कुछ तो कर लेगा। मैं आपसे वही शेयर कर रहा था, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपने, मुझे किसी जरूरत नहीं थी ना इधर स्केम डेली, तो मुझे ऐसा बहुत चैलेंजेस नहीं मिले कि बस कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मुझे दिल्ली आना था आईएएस तैयारी करने के लिए, सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं था, बड़े भाई ने कहा मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, बट मुझे लगा कि नहीं मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कुछ तो एक रेस्पेक्ट है, मैं खुद भी कुछ कर लूंगा, तो आई टुक हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर्स, बट स्टिल आई मेजरली आई वॉज इंडिपेंडेंट दिल्ली बिकॉज ऑफ दिस जस्ट स्किल, स्मॉल स्किल ऑफ टीचिंग। तो ऐसे बड़े चैलेंजेस तो नहीं आए, मैं लकी हूँ इस मामले में, हाँ ऐसे बड़े चैलेंज कोई नहीं आए, मैंने जो चाहा मुझे मिलता चला गया, आई एम लकी इनफ, व्हाटएवर आई वांटेड आई गॉट, व्हाटएवर आई वांटेड, मतलब मैंने ऐसा मुझे याद नहीं आता मैंने कोई चीज इच्छा की मुझे मिली ना हो, ऐसे मैं छोटी छोटी इच्छाएं करता हूँ और मैं कुछ भी चाह सकता हूँ, मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ भी चाहूंगा और मुझे नहीं मिलेगा। आई थिंक इफ आई विश कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी हो या रिप्रेजेंट से मुलाकात करनी हो, लगता है मेरी हो भी जाएगी, तो दैट इज डेस्टिनी, शायद मैथ्स की डेस्टिनी है, तो आई एम हैप्पी इनफ विथ माई करियर। अफकोर्स सक्सेसफुल अगर मैं कहूँगा तो मैं किसी को भी सक्सेसफुल बोलता हूँ, एक ही चीज़ को बोलते हैं सक्सेस, आप जो चाहते हो वो करने को मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो आई थिंक आई एम लकी इनफ इन दिस, और चैलेंजेस कुछ नहीं होता बच्चा, देर इज नथिंग कॉल्ड चैलेंजेस, एवरीथिंग इज टीचिंग, एवरीथिंग इज टीचिंग, एवरी चैलेंज कम्स टू टीच यू, इसलिए शायद मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कोई चैलेंजेस, मैंने हर एक चीज़ को टीचिंग के तौर पर लिया। Thank you for reminding me my old days. Thank you. Thank you for sharing, sir. And sir, I think teaching itself is a motivation to learn. Ultimate motivation. The biggest means the teachers are your student. Yes. आप अपने students को गौर से watch कीजिए, उनकी language देखिए। आपको फायदा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। आप अगर खुद सीखना चाहते हैं ना अपने बच्चों के, मैं सारे जो भावी teachers हैं, आपको just suggest कर रहा हूँ, respect your students. True. They have extraordinary brain. They are less informed, possibly, but in no matter they have less brain. मानने को तैयार नहीं हूँ मैं कभी भी, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ मैम, हर क्लास में मुझे इतना सीखने को मिलता है अपनी, उनको पता नहीं चलता बेचारों को, बोल के चले जाते सिखाने के लिए, तो इतने प्यारे से बच्चे होते हैं हमारे। हार्डी सेट जी एच हार्डी, जी एच हार्डी ना, तो राम मनोहर मेंटर, कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, बड़े उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को। ये जो पेंटर वाला था ये उसी का आइडिया था कि हम लोग पेंटर तरह होते हैं, हम लोग की ड्राइंग्स ये सब लॉजिकल होती हैं बस, जिसको समझ में आए नहीं तो नहीं, तो हम लोग भी पेंटर होते, वो अपने आप को पेंटर बुला करते थे। उसका बड़ा रोल था हार्डी का रामानुजन को पहचानना। आई थिंक कि आप सारे लोग, हम सारे लोग मिला लें, हम लोग को जब टीचर बनते हैं ना तो वो उस शूज में फिट होना होता है जिसमें हार्डी थे, so that we can identify the next Ramanujan, हम वो platform तो दे पाए जहाँ पर वो सोचें, हम आपको help कर सकते हैं in think in this way, but what is the innovation that is yours? So I think this is very noble, very noble. Anyone? Yes. Any other question? Yes. Good evening, sir. मैं अनंगवर सिंह sir. मेरा question sir आपसे ये है कि हम जब part C का question करते हैं CSIR NET exam का, हम जब चार पांच क्वेश्चन कर सॉल्व करते हैं उसके बाद हमको उमंग सी महसूस होती है, उस पांच से हटने जाता है, उसके बाद हम उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते, माने घर पर हो जाता है लेकिन वहाँ पे क्लास हट जाते हैं उस क्वेश्चन में। देखिए दो चीज़ें, एक तो होती है इंटेंसिटी ऑफ वांटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, जिसे इंटेंसिटी बोलते हैं। जो प्यारे मोहब्बत पढ़े ना, पढ़े कभी हाँ किया था इन्होंने, ठीक है आप फील कीजिए इस चीज को, थोड़ा सा फील कीजिए ना। मैं इस चीज को मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल सकता हूँ मैं, तो ठीक है, बट एनीवे इन दिस आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव रेड लॉट सो मेनी थिंग्स। जो इंटेंसिटी है ना, अगर किसी को प्यार करते हो और मिलने का मन करता है तो उस समय आपकी हालत खराब हो जाती है, नहीं अब तो कुछ हो जाए, कुछ भी करके आप करना चाहते हैं। या एक किसी ने कहा था, शायद विवेकानंद की स्टोरी है ये,
कि उनके पास कोई गया कि सुना आपने भगवान को देखा है, कहते कहाँ सुना तुमने, किसे वो परमहंस साहब रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु जी थे तो उन्होंने एक बार टच कर दिया, रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने टच कर दिया तो उनको काली माँ, रामकृष्ण जी काली माँ के भक्त थे तो उन्होंने शायद कुछ एहसास कराया था उनको विवेकानंद जी को, वो उनकी ये स्टोरी उन्हीं के नाम पे आती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दिखाओ भगवान हमको भी आप, कहे बाकी देखना है, तो बोला हाँ देखना है। तो जो विवेकानंद जी ने बोला ठीक कल सुबह आना दिखाएंगे आपको। तो सुबह पहुंचे, कहे चलो नहाने चलो, नहाने गए गंगा किनारे, कहे चलो दोनों अंदर उठे और विवेकानंद जी पहलवान जाकर थे, ताकतवर आदमी थे, उन्हें गर्दन पड़े अंदर डुबो दिया और ऐसे दबाए, और वो आदमी जो आया तो भगवान दर्शन मिले, परेशानी तो मारने उतारे हो गए। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो लगा उसने पूरी ताकत लगाई अपनी, एकदम से बाहर आया, चिल्लाया कस के, सर क्या कर रहे हो गुरु जी, अब मार दोगे आप तो हमें। कहते कैसा लग रहा था जब अंदर थे, क्या इच्छा थी, कहते बस भगवान एक सांस मिल जाए ऐसी इच्छा थी। कहते जिस दिन ये उत्कंठा, ये इच्छा, ये इंटेंसिटी से ना भगवान को पाने के लिए आ जाएगी, उसने मिल जाएगा वो आपको। दैट इज द, वो कैसे किसी को समझाया पाएंगे इंटेंसिटी क्या होती है, हाउ इंटेंस योर डिजायर शुड बी। तो व्हेन द डिजायर ऑफ गेटिंग समथिंग इज नॉट इंटेंस, तब ये होता है हमें ऊब होने लगती है, हमारा मन नहीं करता। अब जिस चीज को करने, मुझे लिटरली कोई तकलीफ नहीं होती क्लासेस में, मैं सीरियसली मेरा पैशन समझ लो, आदत समझ लो, सिनिकल समझ लो, बीमारी समझ ली, जो समझ लीजिए हमको, बट आई लव टू बी इन द क्लासेस, मुझे बिल्कुल भी ऊब नहीं होती। शायद कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है इतने टाइम तक आते आते, बट आई थिंक मुझे बिल्कुल कितना भी बेसिक क्वेश्चन आता है तब भी हमें बड़े मन से काम करने का मन करता है हमारा। तो आपको अगर ये ऊब हो रही है पार्ट सी में जैसा कहा, तो पहले तो ऊब होनी ही चाहिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है भाई, 6 महीने आपने उसके लिए दिए हुए थे, तो ये तो हटाइए। ऊब नहीं होती वहां पर, इरिटेशन होती है, आप इरिटेट होते हो, और वो तब क्योंकि आप नहीं कर पा रहे उसको, क्योंकि एक ऑप्शन फंसता जा रहा है उसमें, दो तो मिल गए बाकी दो में फंसे हुए हो कि पता नहीं ये है कि ये है, अगला किया फिर एक ऑप्शन मिल गया, अभी तीन में से और सही हो सकते थे, तो वहां आपको नहीं मिल रहा, लॉजिक नहीं मिल रहा, काउंट एग्जांपल नहीं मिल रहा, तो वहां ये इरिटेट करता है आपको। अदरवाइज लोगों के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है, पार्ट सी ठीक होता है उनका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस पर, फोकस करते हैं, वैल्यू ज्यादा है, 4.75 क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू होती है उसको, तो आपको फोकस करना होगा, और वो रियल टेस्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग का। मैं क्वेश्चन कराता हूं क्लास में, मुझे याद आ रहा है, एन साइन 2n फैक्टोरियल पाई ई, ए एन इक्वल टू, एक ही सीक्वेंस में देता हूं, इसको प्रूव करता हूं, इसके बहुत सारे पास खोल के करता हूं मैं उसको, अगर आपने कभी देखा होगा उसको, वीडियो में दिखेगा उसको, है इस क्वेश्चन के मैं जब लिमिट निकालता हूं, उस लिमिट 2 पाई आती है, मुझे याद आ रहा है, तो इसके बहुत सारे हिस्से करके प्रूव करता हूं। ये एक परफेक्ट एमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, इसका ये हिस्सा भी पूछ सकता है, वो ये हिस्सा भी पूछ सकता है, ये भी हिस्सा पूछ सकता है। पार्ट सी आपको सिखाता है हाउ टू थिंक इन टोटैलिटी ऑन अ क्वेश्चन, जो होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है ना किसी प्रॉब्लम का, वो तो पार्ट सी ही सिखाता है आपको। अगर ये ट्रेनिंग आपकी हुई है ना, तो आपको वो अच्छा लगेगा पार्ट सी। पार्ट सी सीरियसली बहुत अच्छा सेक्शन बनाया, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना, इवैल्यूएशन प्रोसेस में इशू आते हैं, अब सब्जेक्टिव बंद होते जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो कहीं हो ही नहीं रहे, मेंस में यूपीएससी होता है, अदरवाइज मुश्किल है, कहीं नहीं हो रहे हैं, तो कैसे जज करेंगे आपका होलिस्टिक व्यू किसी एक प्रॉब्लम पे, दैट इज पार्ट सी। तो ऊबियो मत, सब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू कीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व, तो एक एक हिस्सा निकालिए उसमें से, एक एक हिस्सा निकालिए, ठीक है। आपको ऊब क्यों होती है बस बताइए मेरे को, नहीं भाई कीजिए, आपका एग्जाम आपके लिए करियर ओरिएंटेड, तो इन सब चीजों बचिए। अभी बच्ची ने कहा हमको कि हमें आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव विद मैथमेटिक्स, आई एम टेकिंग दिस एज अ ज्ञान फॉर मी कि समवन इफ आई डोंट लव बट आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव, एक ये डिसीजन बड़ा करेज चाहिए इसके, जो मुझे पसंद नहीं मुझे करना है, लेकिन वो आप समझ रहे ना। तो आप भी समझ लीजिए, आपको भले ऊब होती है, तो नाउ यू शुड फॉलो इन लव विद दैट पार्ट सी ना, सो व्हाट इज, लेट्स फॉल इन लव विद पार्ट सी, ठीक है, मत कीजिए सर, है ना, थैंक यू। Can we have next question? Good evening, sir. I am Mandeep from Punjab. Sir, मेरा question ये है कि concentration power को कैसे increase किया जाए, जैसे रात को मतलब 12-1 बजे के बाद फिर नहीं पढ़ा जाता, सर थक जाते हैं, तो right way of study क्या होना चाहिए सर, मतलब किस way से पढ़ें? मेरे तो एक मानना है ना, no strategies for all, strategies are always person
एग्जाम सब्जेक्ट एंड टाइम डिपेंडेंट, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू वेरी करती है स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी विल वेरी पर्सन टू पर्सन, स्ट्रेटजी विल वेरी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, स्ट्रेटजी विल वेरी टाइम टू टाइम. आप जैसे जुलाई में पढ़ते वैसे दिसंबर में नहीं पढ़ सकते ना, स्ट्रेटजी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दैट. अब दूसरा, आपने कहा कि आप 12 बजे अब थक जाते हैं, तो अगर आप जेन्युइन टाइम आपने दिया है तो थकना नेचुरल है, उसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बहुत जल्दी थक जाते हैं तो फिर आप रिकमेंड कीजिए, मतलब यू शुड गेट यूर सेल्फ टेस्टेड. आपको अगर हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज है, अगर वो नहीं है, अब लंबा पीरियड दे रहे हैं, थक रहे हैं, तो ठीक है आराम कीजिए ना, वो तो इशू नहीं है. 12 बजे रात के या 2 बजे तक पढ़ना, पहला एक तो मानना ही है कि हम सब लोग की, आप मेरी बात रही, हम सबकी भी, हम लोग नाइट में ज्यादातर पढ़ने के शौकीन रहे हैं ना, 12 रात भर बैठे बैठे नाइट मारते रहते हैं, रात भर बैठे पढ़ते, सुबह 5 बजे जाके सो रहे हैं. गुड, बट आई थिंक इट्स नॉट प्रेफर्ड. अब ये अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को इसको, कि रात लेट, हमको नॉर्मल टाइम में पढ़ना चाहिए, जो रात का 12 से बस वही मैं कह रहा हूँ. तो क्लासेस का ठीक से यूटिलाइज कीजिए, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, क्लासेस को ठीक से यूटिलाइज कीजिए. अपनी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो वहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि उनके पास कंटेंट है आपको देने के लिए, पहली चीज. उनको ढंग से सुनिए और एक्टिव रहिए क्लास में उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए. उसका आंसर मिले, आपका क्वेश्चन यूजलेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट बी एक्टिव इन द क्लास एंड सी, आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अंडरस्टैंडिंग में. जो क्लास के बाद में जो पढ़ने का टाइम होता है ना, जो 4 घंटे लगा रहे हैं वो शायद 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, इतना फर्क पड़ता है. तो अगर आप क्लास का ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो वो टाइम सिंक हो जाएगा क्लास के बाद पढ़ने का. एक ये चीज, क्लास में जैसे क्लास के बाद जाए उसको पोस्टपोन मत करें. क्लास में जो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करने के लिए जस्ट आफ्टर द क्लास लंच लीजिए, अगर वो टाइम देख लीजिए किस तरह से, जस्ट आफ्टर द क्लास एक अलग नोटबुक बनाइए, रिविजन नोटबुक. अगर आज क्लास में आपने 20 पेज लिखे हैं ना, तो आपके रिविजन नोटबुक में 2 पेज आने चाहिए, 10%, इससे ज़्यादा नहीं. जो पढ़ाया उसको उसमें नोट कर लो, जस्ट 10% वो पेज गिन लीजिए कितना, 10%, उसको रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले एक बार वो जो आपने 2 पेज लिखे ना उसको फिर से पढ़ लीजिए. अब जाइए क्लास में, अब जब क्लास में जाएंगे तो क्लास में जो लेक्चर्स हुए हैं ना उनकी क्वालिटी आपको अलग दिखाई देगी, मैसेज अलग कन्वे होगा. ये तो आपने 1-1 घंटे काम हुआ, उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा आवर देने वो दीजिए, वो अपने कंफर्ट जोन में दीजिए. जब ये करेंगे ना तो आपको जो बात की हाय तौबा होती है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी. कोशिश कीजिए क्लास के साथ चलिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, इतना पढ़ाएंगे उतना ही आप क्लास में समझ में आएगा, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, उतना ही पढ़ाया जाता है. उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जितना क्लास का है उतना ही मैक्सिमम. तो अगर 6 घंटे क्लास है तो 6 घंटे और दीजिए, 1 घंटे रिविजन में जो मैंने बताया आपको, या 1.5 घंटा रिविजन में जो 2-2 पेज लिख पाए आप, 6 पेज लिख पाए जो भी, और बाकी जो 4 घंटे आपके हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ने में, कुछ एक्सप्लोर करने में. ये एग्जाम टाइम 5 महीने की, हमेशा 12 घंटे नहीं पढ़ सकते आप, बाकी 12 घंटे आपके पास हैं. खूब सोइए, कंफर्ट जोन में रहिए, मैं कह रहा हूँ ना, हाय तो मत बचाइए. बट दूसरी चीज, कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए. आपने पूरा दिन नहीं पढ़ा और फिर पूरी रात पढ़ रहे हैं, ये दिस इज रॉन्ग. अब एक जब खाली हो, दूसरा एक आर्ट डालिए ना, जब भी खाली बैठ भी रहे ना, तो जो आपकी नोट है एक बार हाथ में उठा लीजिए उसको, आपको लगातार ब्रेक हो रहा है ना, तो उठा लीजिए, ऐसे पलट लीजिए एक बार, कुछ मत कीजिए. आए रहिए लगातार करेंगे ना ओवर द पीरियड. ये मेरी हैबिट थी, मैं देखता था नहीं मन करता, मैं बुक उठा लेता था, थोड़ा मैं देख ही लूंगा, पता ध्यान चला जाए अच्छा ये क्या है. एंड दिस इज अ प्रैक्टिस, इससे फोकस बनना शुरू होता है. ये इतना साइकोलॉजिकल है कि हम नहीं चाहेंगे, जो आपको पसंद आता है आप तो फोकस ही कर देते हो. आप कभी मार्केट जाते हो, एक बार ध्यान घूमता है गोलगप्पे की तरह, नहीं घूमता है, एक बार ध्यान चला ही जाता है, ना चाहे तो भी चला जाता है, और मुंह में पानी भी आ जाता है, अब देखते हो गंदा है अच्छा नहीं है तो ठीक है फिर आगे बढ़ जाते हैं, बट मन तो कर जाता है ना. ये चीज ना टेस्ट वाली बात है, आ तो रहा नहीं है, लेकिन जब ऐसे बार बार उठाएंगे ना, मेरा मानना है साइकोलॉजिकली हम बहुत चीज बार बार लेते हैं, उसमें अपने आप एक वाइब्स आती है, ये होता है. आपको नहीं पढ़ने मन करना, बीच में रोज ना एक एक बार वो बुक उठा के ऐसे उठा दे रहा हूँ, ऐसे बैठ दो रैंडम 4 बार 5 बार, डू दिस फॉर 1 वीक, टोटका समझ लीजिए इसको. नेक्स्ट वीक में ना आपको फील होगा, आप एक पक्का पढ़ोगे उसका, एंड ओवर द पीरियड वो आपकी ये एक प्रैक्टिस होगी, आपकी हैबिट होगी, अब बार बार फोकस बनेगा. क्लास में बार बार अपने आप को मैसेज दो, मैं टोटका बना सकता हूँ, आप
एक रिंग पकड़ लीजिए, एक पहले स्टार्ट विद वन रिंग, एक रिंग यहाँ पर रख लीजिए, उसको उसको मैसेज कीजिए ये रिंग है, आपको सर की तरफ देखना है, बोर्ड पे देखना है और क्वेश्चन पूछना है, ये तीन चीज से बैंड कर दीजिए, जब क्लास में जाओ और उसको ऐसे करते रहिए, घर में इसको ट्रेन कर दीजिए इस रिंग को, अब दो तीन बार जब क्लास में जाएंगे ना, एक बार आपको ध्यान आपको यहाँ चला गया ना, ये तीनों चीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी, करके देखिए इस चीज को, एक बार दिमाग में चला गया ना ये कि इसको मैंने ये मैसेज दिया, आपको वो अपने आप याद आएगा, आपको याद आएगा, और जैसे बार याद आएगा फोकस मनुष्य हो जाएगा, थिंक इन दिस वे, तो मतलब फोकस कोई योगा होगा वो आप जो करते हैं वो अलग बात है, बट आई जस्ट से स्टार्ट लविंग बुक्स, स्टार्ट लविंग टेकिंग बुक्स इन योर हैंड, पढ़ने पढ़ने के शौकीन बनिए और एंजॉय कीजिए, मैथ्स ना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता है, मैथ्स को एंजॉय किया जाता है, तो अगर वो एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो मेरी आप किसी जरूरत नहीं है, वो खुद पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। आई होप यू गॉट योर स्ट्रेटजी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इट्स बीन 2 मंथ्स नाउ एंड आई हैव नेवर सीन यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और एनी नॉट इवन अ लिटिल बिट, नो मैटर हाउ स्टूपिड क्वेश्चन समवन इज आस्किंग यू नेवर गेट इरिटेटेड, सो हाउ डू यू मैनेज टू बी सो काम स्माइलिंग ऑल द टाइम? पता नहीं कि मैं ऐसा होता हूँ, मुझे नहीं, मैंने इस तरह सोचा नहीं कि मैं ऐसा होता नहीं हूँ, मेरे यू स्टिल मैनेज टू बी लाइक दिस। मैंने एक चीज कहा ना कि शायद मैं जब क्लास में जाता हूँ ना तो मैं इतना एंजॉय करना शुरू करता हूँ, मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता और ध्यान जाता भी नहीं, जैसे अभी मैंने कहा ना कि फोकस, शायद मैं वो हो चुका हूँ, मेरी वो प्रैक्टिस बार बार की मुझे मजा, आई स्टार्टेड गिविंग मैसेज टू माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग इट, जैसे मैंने आज भी कहा इस चीज़ को, आई एम एक्चुअली एंजॉइंग इट, शायद पहले नहीं कहता भी रहूंगा एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट आई स्टार्टेड गिविंग मैसेज टू माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग, मजा आ रहा है, जैसे नहीं करे नहीं लगी कुछ नहीं हुआ तो बात करते कुछ नहीं हुआ, isn't it? So I think I have trained myself at very early stage that you are enjoying Mr. Dubey, you are enjoying in the class, शायद आज वही हो गया, अब मैं I become actually habitual, मैं इसलिए आपसे चीज़ शेयर कर रहा हूँ, शायद ये टीचर्स सबके साथ होता होगा, मेरा लास्ट क्लास था, लास्ट सेशन का लास्ट डे था, उस दिन फेयरवेल होना तो होता है, there were multiple batches, that was last batch, उसका फेयरवेल होना था, and the day before farewell, I got ill, severely BP problem, but next day when I came into class, early morning, I was high BP, सर भी दर्द कर रहा था, बड़े परेशान से थे, last class I can't skip, but the moment I moved into class, everything was so fine, बच्चों से ऐसी energy सी आती है ना, तो कौन गुस्सा हो सकता है, पता नहीं, क्या class में teacher गुस्सा हो कह सकता है, मुझे अब ये आश्चर्य होता है, गुस्सा होना अननेचुरल है, आई थिंक यू सेड कि हाउ यू मैनेज, आई थिंक मुझे गुस्सा होना मैनेज करना पड़ेगा, मुझे क्लास में गुस्सा होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल होगा, और एक्चुअली क्लास में गुस्सा होना शायद आर्टिफिशियल होता है, क्लास में इरिटेट होना शायद आर्टिफिशियल होता है, क्लास में इरिटेट हो जाना या आंसर्स मना करना ये सब आर्टिफिशियल है, जब टीचर्स हम लोग जब बोलते हैं क्लास में और हमारे फेस पे कुछ अजीब से दिखते हैं ना तो हम शायद घर की प्रॉब्लम लेके आते हैं क्लास में, तब ऐसा होता है, किसी ने कहा है कि जस्टिस व्हेन इट इज वेरी हार्ड फांसी पे चढ़ा दो, रोड पे चौराहे पे खड़ा कर दो, इट्स नॉट जेन्युइन, व्हेन इट इज वेरी हार्ड ना, इट हैज देयर इज अ डाउट दैट हिज पर्सनल एंग्विश इज इनकॉर्पोरेटेड इन दैट जस्टिस, जब जज ने बहुत हार्ड डिसीजन लिया हो, मेरा डिसीजन लेते समय, ये मैंने एक आर्टिकल बहुत पहले लिखा था कि एक जज ने फांसी पे चढ़ाया था किसी को, उसने आर्टिकल में ये लिख दिया था, मेरा बस चलता तो मैं इसको चौराहे पे फांसी पे टांग पाता, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, एंड इस पे क्वेश्चन ये उठा हुआ कि आपका बस चलता, क्योंकि दैट पर्सन हैज टू बी अनबायस्ड, उसको केवल प्रूफ देखने हैं, जब ये फीलिंग आती है इसका तो वो बायस है, तो हम लोग शायद क्लास में जब जाते हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता हम अपनी कोई प्रॉब्लम क्लास में लेके जाएं, क्योंकि वो जो सामने बच्चे बैठे हुए ना वो पता नहीं शायद वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, दे आर लुकिंग एट यू टू लर्न समथिंग, एंड पर्सन विथ एंग्विश विथ इरिटेशन विथ प्रॉब्लम कैन नॉट टीच, आई डोंट थिंक दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन बट दे कैन नॉट हेल्प यू लर्न, जो मेरा मानना है, तो शायद अपने आप को मैसेज देते चलते हैं हम लोग, आप भी ये करेंगे आई बिलीव कि आप सब लोग क्लास में आएंगे ना, जब खड़े होंगे डेस्क पे आपको बड़ा अच्छा फील होगा, आपकी बीपी प्रॉब्लम टेंशन खत्म हो जाएगी, सारी चीज खत्म हो जाती है, सो इट इज
डोंट थिंक कि आप इससे आश्चर्य कीजिए, इट्स वेरी नॉर्मल. मुझे भी खूब गुस्सा आता है, खूब गुस्सा करता हूँ. यहाँ बिप्स अकेडमी में आती पता नहीं क्या होता है कि मेरे बच्चे जो है क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि लिटरली आई बिकम वेरी हैप्पी इन द क्लास. मैं शायद अगर हम उस स्टेज पे हूँ कि आज गए तब गए, मरने वाला रहा हूँ और मुझे क्लास दे दो, शायद दो चार दिन और चल जाऊँगा. दैट काइंड ऑफ रेमेडी टीचिंग इज. आई थिंक आई शुड थैंक माई स्टूडेंट थ्रू दिस फोरम की मुझे ये, बट दिस इज नॉट वेरी नेचुरल. इफ देयर इज नथिंग टू मैनेज, दिस वेरी नेचुरल. तो शायद आप भी करेंगे. Thank you, sir. Thank you. Thank you for sharing this. Yes, sir. My name is Gayatri. और मेरा सवाल ये है कि मतलब मैंने दो साल बाद दोबारा पढ़ना फिर से शुरू करा है. तो मतलब जब कोचिंग में कुछ पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि सब कुछ नया सा है. कुछ भी मतलब वर्ड्स है, कुछ टर्म्स है, वो सारे नए नए से लगने लगते हैं. और जब फिर घर जाके मतलब रूम पे जाके घर जाके जब दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो पूरा एफर्ट्स देते हैं. और उसी टॉपिक्स पे अगर कभी सवाल पुट अप कर ले, क्वेश्चंस पुट अप कर ले टीचर्स, तो और जब आप नहीं दे पाते तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो पता नहीं चलता, मतलब बहुत गुस्सा आता है अपने आप कि नहीं दे पा रहे क्या इस सवाल का जवाब. इतने भी कमज़ोर हैं मतलब बाकी बच्चों के मुकाबले में मैं हमेशा खुद को बहुत कम पाती हूँ कि मुझे ये नहीं आता है. और मैं मतलब अगर मेरा सब कुछ ऐसे ही रहा तो क्या मुझसे मेरा भविष्य क्या है? देखिए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी और लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाए. एक तो ना आपने कहा कि आपने दो साल बाद पढ़ना शुरू किया, सब कुछ नया सा लगता है. आई टेक दिस एज अ वेरी पॉजिटिव नोट. आप उसको नेगेटिव नोट के तौर पर ले रहे हो, मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है. क्लास में जब भी कोई चीज किसी को भी फैकल्टी पढ़ा रहा होगा तो क्या होता होगा कि वो तो स्टार्ट तो डेफिनेशन से करता होगा, तो चाहे जानते हो नहीं जानते हो वो तो शेयर कर ही रहा है उस नई चीज को. हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुना है आपने? हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं. हरिप्रसाद बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अमिताभ हरिप्रसाद चौरसिया द ग्रेट फ्लूट प्लेयर, बड़े बड़े फ्लूट प्लेयर है. आप उनको देखे कभी, वो फ्लूट इधर से बजाते हैं, इधर से नहीं बजाते ऐसे बजाते हैं. कारण क्या है, ठीक ठाक सीख चुके थे वो, उसके बाद सीखने गए थे कलकत्ता किसी लेडी से, जो मैंने कहीं पढ़ा उनके बारे में. उन्होंने मना कर दिया सिखाने से कि आपको ठीक ठाक आता है हम आपको नहीं सिखाएंगे. कुछ नहीं आता तो सिखाते, या बहुत कुछ आता तो कुछ कुछ करते हम लोग, बट आपको उतना आता है खुद करो. नेक्स्ट वो फिर गए, उन्होंने कहा कि माँ हमको कुछ नहीं आता सिखाओ. कहते भी तो कल ही तो तुम बताया तो सीखा है आपने. कहते नहीं माँ अब हम ऐसे बजाया करेंगे. सारे सुर उल्टे हो गए, ऐसे तो जो ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे चलेंगे, सारे सुर उल्टे हो गए. तो उन्होंने कहा कि अब सिखाओ, अब तो हमें कुछ नहीं आता. ही स्टार्टेड विद स्क्रैच. 8 साल 7 साल सीखने का फिर शुरू किया उन्होंने. एंड ही बिकेम चौरसिया जी. सिलसिला मूवी में शिव हरि का म्यूजिक है, शिव संतूर बजाते हैं जो शिव कौर शर्मा जी वो और हरिप्रसाद चौरसिया, ये डुओ है म्यूजिक डायरेक्टर का. तो जैसे बिस्मिल्ला खां हैं सेनाई वाले, अर्थ म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं कोई बात नहीं ठीक है. बट ये मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि उन्होंने सब कुछ भूल के फिर से शुरू किया. दैट इज कॉल्ड, और वो जैसे टीचर्स डे होता है ना, मुझे लगता है कि स्टूडेंट डे उनके नाम पर होना चाहिए, चौरसिया के नाम पर होना चाहिए. हम उन माँ को नहीं जानते, स्टूडेंट को जानते हैं. ठीक है कि स्टूडेंट हो तो ऐसा हो. तो आप जब क्लास में बैठे हैं सबको, आपके लिए अच्छा है आपको पुराना कुछ नहीं पता है, तो जो टीचर समझा रहा है ना वही फोकस कर लो, वहीं से काम हो जाएगा, क्योंकि वही लैंग्वेज होती है उसकी. आपने दो साल पहले जो फ्रेश भी आए होते हैं उनको भी कौन सा बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है. समझ में आना और गैप होने में कोई कनेक्शन नहीं है. मेरा पहले तो ये बिलीफ मान लीजिए, कर लीजिए कि जब आप क्लास में होते हो ना तो पुराना कितना पढ़ा है किसने इसका बहुत कनेक्शन नहीं होता. पहली चीज, क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो स्क्रैच से एक्सप्लेन करता तो है, डेफिनेशन देगा, उसका पोस्टमार्टम करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, एक दो एग्जांपल कराएगा. दैट इज द फॉर्मल वे. अब दूसरी प्रॉब्लम आपकी जो है कि उस प्रोसेस में किसी और को ज्यादा समझ में आ गया, यहाँ आपका वो गैप दिखाई देता है आपको. तब तक दिखाई नहीं दिया, तब तक लेक्चर चल रहा था तब आपको गैप दिखाई दिया और दूसरे ने आंसर कर दिया आपसे पहले. तो मैंने वही कहा कि टाइम कंस्टेंट क्यों है, पीयर एनालिसिस क्यों है सीखने में. परफॉर्मेंस में पीयर एनालिसिस होता है, जो पीयर इंडेक्सेस होते हैं हमारे,
परफॉर्मेंस में होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, दैट इज वंस अ ईयर और जो भी ट्वाइस अ ईयर होता है. ड्यूरिंग लर्निंग स्टॉप लुकिंग एट योर पीयर ग्रुप. लोग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग टाइम पे समझ में आती हैं, आपको भी आएंगी. तो ये अपने आप को हैप्पी कीजिए. और एक चीज़ सिंपल बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना तो खुश होइए, सीरियसली कह रहा हूँ मैं. मुझे गुरुजी ने सिखाया, रामलीला सर आते थे आते हैं यहाँ पर, उन्होंने एक चीज़ बहुत हमेशा बोलते रहे, एक प्रॉब्लम डिफिकल्ट से उठाइए और दिन भर खुश रहिए उसके साथ. बिकॉज दैट इज द टेस्ट. हम जब मेडिकल टेस्ट कराते हैं अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है ना तो इलाज कराते हैं उसका ना, तो दैट टेस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट. MRI हुआ या स्कैन हुआ जो भी हुआ, सो इम्पॉर्टेंट, इट रिवील्स आवर प्रॉब्लम एरियाज. तो डू दैट. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही फ्रस्ट्रेट होने की बजाय नोट इट डाउन. फ्रस्ट्रेट आप इसलिए नहीं हो रही कि आपसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप इसलिए हो रहे कि दूसरे से हो रही है. आप है ना, आप ये कष्ट ज्यादा है ना, तो उसको बंद कर दीजिए कुछ दिन तक. सीरियस एक महीने सबको भूल जाइए. मैथ्स जितना पढ़ेंगे उतना आएगा. आपकी दिक्कत एग्जाम क्वालिफाई करना है एज सून एज पॉसिबल. ये टारगेट कितना बड़ा कर रखा है. मैथ सीखेंगे तभी एग्जाम होगा ना. एग्जाम क्वालिफाई होने का मतलब मैथ्स आगे गारंटी नहीं है, बट ये गारंटी एग्जाम, अगर मैथ्स आगे एवरेज प्लस तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. बहुत सारे लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, हमारे यहाँ से भी करते हैं, जिनको सीरियसली मैथ्स नहीं आया होता उस समय तक, अगले छः महीने और पढ़ते हैं फिर. सो आई थिंक डोंट डू दिस. पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए एग्जाम गैप फोकस. जैसे मैंने अभी बच्ची से कहा, मनदीप से कहा कि मनदीप ना मैंने से कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्लास को फोकस करो पहले. तो रेज क्वेश्चंस. आप तो क्लास में काफ़ी एक्टिव भी होते होंगे जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आपको, तो टीचर को दुखी कर दीजिए. जिस क्लास में बैठे टीचर को बिल्कुल दुखी, सर ये फिर से समझाइए, ये फिर से. टीचर दे डोंट से नो. अगर वो नो कह रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है. एक बार फिर पूछ लो क्या करेंगे अल्टीमेटली, व्हाट दे कैन डू. सोच के देखिए ना, पूरी क्या कर सकता है, नथिंग ना, कीप ऑन आस्किंग. ये सेशन की सबसे ब्यूटी जो मुझे फील हो रही है, थैंक यू आई शुड से टू दिस इवेंट, हम लोग पूछने की हैबिट डाल रहे हैं. सबसे बड़ी चीज है कि हम एक दूसरे पूछने की, डिस्कस करने की हैबिट डाल रहे हैं. दिस शुड कंटिन्यू. टेक दिस फ्रॉम दिस सेशन, गो इन द क्लास एंड आस्क, और उस चार घंटे का इस्तेमाल कीजिए, आपको सब समझ में आएगा. ठीक है, तो उसको मत जाने दीजिए. तो क्या दो चीजें क्या सीखी आपने, एक किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को. अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, ट्रेंड लोग भी हैं. ठीक है, और दूसरा टाइमर जो है ना आपका गैप वाला है, उसको भूल जाइए. और वो याद रखेंगे ना तो आपको खुशी होगी कि आप बहुत अच्छा सीखने वाले हैं. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट. So it was a great session with you. Thank you. Our students got to learn so many things from you. Thank you for being with us, sir. Thank you. For your valuable words and precious time. It will really help our students. Thank you, sir. Thank you very much.